हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमने फिर दूसरा एक टॉपिक लेके आया, वो है बैक्टीरिया। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में बहुत टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है, लेकिन आज हमने कोलोन का बैक्टीरिया लेके बात करेंगे। एक्चुअली कोलोन में बैक्टीरिया जब बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, उसी टाइम बॉडी में ओवरऑल फंक्शन डिस्टर्ब शुरू हो जाता है, जिसको डिसबायोसिस बोलता है। तो कोलोन में बैक्टीरिया कैसे डिसबैलेंस होता है? गुड बैक्टीरिया डिक्रीज हो जाता है और बैड बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हमारा जो खाने पीने का स्टाइल है, इसी कारण से हमारा शरीर में बैड बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमारा खाने पीने का स्टाइल क्या है? एक्चुअली हम लोग अभी घर का शुद्ध खाना पसंद नहीं करती हूँ, हमेशा बाहर का खाना खा पसंद करती हूँ, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, बिरयानी। ये सब खाने से क्या होता है? हमारा शरीर में बैड बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये बैड बैक्टीरिया बढ़ने का कारण से क्या क्या प्रॉब्लम आता है? कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आता है, पाइल्स का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, फिर आर्टरी में बैड कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। जब आर्टरी में बैड कोलेस्ट्रॉल जमता है, उसी टाइम किडनी फंक्शन भी डिस्टर्ब शुरू कर देता है। इवन हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारा ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बिगड़ जाता है। ये बिगड़ने से क्या होता है? हमारा डिप्रेशन आ जाता है, फिर ओबेसिटी भी शुरू हो जाता है। ये बैड बैक्टीरिया का कारण से शरीर में फैट भी जमना शुरू हो जाता है। तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, वही लेके आज हम बात करेंगे। फर्स्ट हम नेचुरली जो गुड बैक्टीरिया का सोर्स कहाँ से ले सकते हैं, ये बात हम क्लियर करेंगे। उसको बाद मेन मेरा उद्देश्य जो है, हमारा कंपनी का जो वर्ल्ड बेस्ट ब्रांड का जो गुड बैक्टीरिया पूरा वर्ल्ड में सप्लाई दे रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल का फॉरएवर एक्टिव प्रो बी। इसमें देखिए 6 स्ट्रेन लिखा हुआ है, ये भी हम क्लियर करेंगे। एक्चुअली 6 स्ट्रेन क्यों लिखा हुआ है? फ्रेंड्स, इसमें है क्या क्या? ये जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल में पूरा बैक्टीरिया सील है। एक्चुअली ये जो कैप्सूल बना हुआ है, ये वर्ल्ड का बेस्ट क्यों है, वही हम क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो कैप्सूल बना हुआ है, ये कैप्सूल एक्चुअली 3 लेयर से बना हुआ है। इसको 3 लेयर है जो अंदर हमारा जो गुड बैक्टीरिया सील है। तो ये 3 लेयर क्यों डाला हुआ है? एक्चुअली ये जब तक अपना सुइटेबल इंटर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तब तक ये रिलीज नहीं होगा। इसलिए इसको इन कैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी भी बोल रहा है, ये फॉर्मूला पेटेंट किया हुआ है। तो 3 लेयर इसीलिए डाल दिया, 3 कोट इसलिए डाल दिया, क्योंकि हमारा खाने का जो प्रोसेस चलता है, फर्स्ट स्टोमक से ही खाना गुजरता है। तो स्टोमक में जो एसिड रहता है खाना प्रोसेस करने के लिए, वो एसिड को ये क्रॉस करता है फर्स्ट लेयर खोल के, फर्स्ट लेयर वो एसिड में ही खोल देता है। इसके बाद और जो 2 लेयर है, वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, जो फाइनल लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जहाँ हमारा पूरा बैक्टीरिया का भंडार होता है, वही जाके ये फाइनल लेयर खुलता है। तो ये 3 लेयर इसीलिए डाला हुआ है, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत जो वाइटल चीज़ रखा हुआ है, तो इसको इतना सेफ डाल दिया जो ये जब तक हमारा जहाँ ज़रूरत है वो जगह नहीं मिलता है, तब तक ये रिलीज नहीं होता है। यही होता है हमारा कंपनी का एक स्पेशलिटी बोल सकता है आप, क्योंकि हमारा कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, बहुत सोच समझ के बनाता है, बहुत रिसर्च चलता है उसी के ऊपर, बहुत टेस्ट चलता है, उसका बाद ये मार्केट में आता है, फिर ये पूरा वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो इसमें वो जो 6 स्ट्रेन क्यों लिखा हुआ है, इसमें 2 बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है, एक है लैक्टोबेसिलस, एक है बैफिडोबैक्टीरियम। तो ये लैक्टोबेसिलस में 4 टाइप का बैक्टीरिया इसमें है, और बैफिडोबैक्टीरियम में 2 टाइप का बैक्टीरिया इसमें है, इसलिए 6 स्ट्रेन उसमें लिखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट में आ रहा है, एक एक कैप्सूल में 8 बिलियन
सी एफ यू हमारा कॉलोन में ये डिलीवर करता है। तो ये सी एफ यू का फुल फॉर्म है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। एक्चुअली ये हमारा बॉडी में एक डिफेंस का काम करता है, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये हमारा बॉडी का हर डिपार्टमेंट ये संभाल लेता है। ठीक है, तो अभी चलिए एक एक बैक्टीरिया को क्या फंक्शन है वही क्लियर कर दूँ। नंबर वन, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, ये हमारा कोलन में लैक्टिक एसिड, हाइड्रोपरॉक्साइड, हाइड्रोजन पराक्साइड प्रोड्यूस करता है और ये बैड बैक्टीरिया को डिक्रीज करता है और हमारा शरीर को ये प्रोटेक्ट करता है। नंबर टू, लैक्टोबैसिलस रेमोसस, ये हमारा शरीर में क्या करता है, लैक्टिक एसिड को नॉर्मल कर देता है, पीएच बैलेंस को कंट्रोल करता है, जिसका हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है उसको भी नॉर्मल कर देता है और जिसका संक्रमण का टेंडेंसी है, जैसे बातों बातों में उसका सर्दी जुकाम लग जाता है, उसको भी कंट्रोल करता है और हार्मफुल बैक्टीरिया को ये किल कर देता है। नंबर थर्ड में आ रहा है लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस, ये एक्चुअली हमारा शरीर में जिसका लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता है और लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है और ये बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया है इसको भी ये डैमेज कर देता है। नंबर फोर में आ रहा है लैक्टोबैसिलस प्लेंटेरम, ये एक्चुअली हमारा जो कोलन का जो लैक्टोज है इसका सुरक्षा कवच है। ये हमारा जो कोलन में बैड बैक्टीरिया को डिक्रीज करता है, कोलन को क्लीन भी करता है, इसका बगैर भी ये न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स को प्रिजर्व भी करता है। नंबर फाइव, बैफिडोबैक्टीरियम लंगम, ये एक्चुअली हमारा जो बैड बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया डिक्रीज में ये हेल्प करता है और जिसका हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी ये सॉल्व कर देता है। नंबर सिक्स, बैफिडोबैक्टीरियम लैक्टिस, ये एक्चुअली हमारा शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल कर देता है। ये है हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल का सिक्स चेन फॉर्मूला। अभी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल फॉरएवर एक्टिव प्रो भी कैसे यूज़ करना है, ये अगर आप एलोवेरा जेल को साथ सुबह एम्प्टी स्टमक में ले रहा है तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर वो नहीं ले पा रहा है तो खाली कैप्सूल अगर आपको यूज़ करना है तो आप खाना खाने का एक घंटा आधा घंटा पहले आप पानी से एक कैप्सूल ले सकते हैं। कम से कम 15 दिन लेने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपका शरीर में एक्टिविटी क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया से फैट भी बहुत जल्दी रिड्यूस हो रहा है। जिसका गैस का प्रॉब्लम है, जिसका पाइल्स का प्रॉब्लम है, जिसका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, उस सब का तो बहुत अच्छा रिजल्ट ही दे रहा है। एक्चुअली ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक्चुअली सप्लीमेंटरी फूड है। हमारा शरीर फूड से बना हुआ है, कोई मेडिसिन से बना नहीं हुआ है। मेडिसिन हमारा इमरजेंसी के लिए काम आता है, लेकिन अगर कंटिन्यू अगर हम मेडिसिन को सहारा ले रहा है तो उसी टाइम हमारा थोड़ा दिक्कत भी बढ़ जाता है। बेसिकली जो एंटीबायोटिक ले रहा है, बातों बातों में एंटीबायोटिक लेता है, इसके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये, क्योंकि एंटीबायोटिक में क्या होता है वो बैक्टीरिया को वो जज नहीं करता है कौन गुड बैक्टीरिया है कौन बैड बैक्टीरिया है। वो गुड बैक्टीरिया को साथ साथ बैड बैक्टीरिया को साथ साथ वो गुड बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देता है। इसलिए ये जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ कर रहा है उसको तो ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल का एक्टिव प्रो भी तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, यही हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये हम खुद यूज़ कर रही हूँ घर पे। हमारा हस्बैंड को बीच में थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम हो गया थे, ये यूज़ करने के बाद उसको नॉर्मल हुआ। यही तो एक बात है। दूसरा बात, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये कोई खुला मार्केट में नहीं मिलेगा। हम हमेशा हमारा हर प्रोडक्ट का लास्ट में यही बात बोल रही हूँ, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं तो आपको फुल रेट देना पड़ेगा, एमआरपी रेट में ही लेना है। अगर आप कंपनी से ले रहे हैं तो आपको डिस्काउंट में मिलेगा। कोई कंपनी से लेना चाहती है तो वो मेरा साथ संपर्क करिए, हम उसको डिटेल्स बता देंगे वो कंपनी से कैसे ले सकते हैं। ठीक है, आज तक हमारा इन्फॉर्मेशन इतना तक ही है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।